YouTube से वीडियो बना रहा है क्या? खातिर दोहरा के दुनिया में भिजोले वाले भगवान बने फुर्सत से दोहरा के भगवान बड़ी फुर्सत से राहुल कैमरा देता मेरा एक कहा आप जो लोग कहते हैं कि आप पूछे में ज्यादा ज्यादा स्मार्ट लगते हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप चाहे आप बिना पूछ के हो ये चाहे आप मूछ के साथ हो आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और स्मार्ट रहेंगे। मेरे दिल में एक प्यार जगा आप दोनों बच्चों को देख के। मैं खुद एक गरीब इंसान हूं, ठीक है, मेरे पास, सुन ले बेटा, मेरे पास धन नहीं है बट दुआ की संपत्ति मेरे पास है, इसलिए मैं खड़ा हूं और इसलिए मैं गरजता रहता हूं। तो मैं अगर प्यार से आपको कुछ अपने तरफ से प्यार दर्शाऊं या दिखाऊं या अपना भाव अगर सामने रखूं तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये दोनों बाबू मेरे तरफ से मिठाई खाइएगा। क्या बात है, जोरदार तालियों से यहाँ पर आपको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। ये पैसा नहीं है बेटा, मैंने बोला ना मैं खुद ही बहुत गरीब इंसान हूँ, दुआ की संपत्ति है, जैसे आपने इतना दुआ दिया, दिया। इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। रवि बेटा अब बोलो। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास धन हो या ना हो आपके दिल में धन है। क्या बात है, मैं इनदर ब्लॉग, कैसे हैं आप सब, आई होप कि सब बढ़िया और मस्त होंगे। सो आज का स्पेशल ब्लॉग आने वाला, काफ़ी मस्त वीडियो आने वाला है। आज हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, एक मतलब सॉन्ग के प्रमोशन में जा रहे हैं, उसका वीडियो आज आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन सा सॉन्ग है, पवन सिंह का ये सॉन्ग है, न्यू सॉन्ग, अनुपमा यादव सिंगर है जिसकी, और ये सॉन्ग है पियर फराक वाली शादी का गीत है और काफ़ी मस्त सा गीत है ये, आप भी सुनिए जाके यूट्यूब पर। तो आज हम लोग इसी सॉन्ग के प्रमोशन में जा रहे हैं जहाँ पवन सिंह ने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया हुआ है, काफ़ी सारे रील स्टार, इंस्टा के जितने भी रील के स्टार हैं, टिकटॉकर, सब लोग यहाँ पे आएंगे, जितने भी मतलब भोजपुरी सॉन्ग पे रील्स या डांस करते हैं सारे लोग वहाँ पे आएंगे। तो चलिए हम भी चलते हैं वहाँ पर और देखिए सॉन्ग के प्रमोशन में क्या क्या होता है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। भगवान बड़ी फुर्सत से राहुल 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 कैमरा देता कैमरा पर मेरा एक कहा जो लोग कहते हैं कि आप पूछे में ज्यादा ज्यादा स्मार्ट लगते हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप चाहे आप बिना पूछ के हो ये चाहे आप मूछ के साथ रहो आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और स्मार्ट रहेंगे। मेरे दिल में एक प्यार जगा आप दोनों बच्चों को देख के। मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ, ठीक है, मेरे पास, सुन ले बेटा, मेरे पास धन नहीं है बट दुआ की संपत्ति मेरे पास है, इसलिए मैं खड़ा हूं और इसलिए मैं गरजता रहता हूं। तो मैं अगर प्यार से आपको कुछ अपने तरफ से प्यार दर्शाऊं या दिखाऊं या अपना भाव अगर सामने रखूं तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये दोनों बाबू मेरे तरफ से मिठाई खाइएगा। क्या बात है, जोरदार तालियों से यहाँ पर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। ये पैसा नहीं है बेटा, मैंने बोला ना मैं खुद ही बहुत गरीब इंसान हूँ, दुआ की संपत्ति है, जैसे आपने इतना दुआ दिया, सुमन भैया ने दिया, हाँ इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। रवि बेटा अब बोलो। पलविया है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास धन हो या ना हो
सब कोई हंसेगा, कैसे इमोशनल होगा, कैसे भावुक होगा, कैसे तुम्हारा रिएक्शन देख के लोग एनर्जी में होगी, तो आप उसके लिए पैदा हुए हैं, तो कौन सी आपको मेहनत करना है और दुनिया के लिए आपको जीना है, ठीक है। और जो आज के डेट में लाइन बाई लाइन से हमारा काम सारा हो रहा था आप सब की कृपा से, मेरे भाई की मेहनत से गाना पे गाना आ रहा था, और हमेशा आवत रही कहे कि आराम ढेर बनी कर रही है, ठीक ना। हाँ सुन गई बा, हेलो बेटा, ठीक ना, नींद टूट गई बा, वो कौन है वो हमारा डायलॉग भी डरे यही डरे, ये सब तो तुम लोगों का कृपा है, होता है ना बेटा। हेलो मूड मेरा जो है वो दीपक बना दिया है, और जिसके जीवन में दीपक हो उसके जीवन में अंधेरा क्यों। नवीन मेरा भाई, हम जितने भाई हैं, हम जितने परिवार हैं, हम सब में प्रेम बना रहे, हम सब एक रहे, क्योंकि जब हम लोग एक रहेंगे तब ना दुनिया से लड़ेंगे। अब हमने के मान लो दस भाई बनी जा रहे हर प्रेम में खड़ा हो गई, हम सब परिवार एक हैं, हम सब जब एक रहेंगे तब हम किसी को जवाब देंगे। हेलो बेटा आओ, किसको हरियाणा है, आओ हरियाणा, प्रेम से बोलिए और दिल से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं चाहूंगा आंसू बाबा भी दो सलाम कहिए। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, और भैया हिम्मत नहीं हुई थी बोलने की, भैया तब से गा रहे हैं जब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, हम लोगों का जो आंसू प्रियांशु की जोड़ी आप भैया की आवाज में सुनते हैं वो हम दोनों ही हैं। और अरे रुक रे, रुक, डीपी आई मत रहो, सफर मिश्रा जी हैं जिनके सहयोग से हम लोग इतने सारे पार्टी हम लोग अटेंड कर रहे हैं, इस वीडियो बनाओ तो मुझे इसमें आपका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरा भाई, तो सपन भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत श्रद्धालु है, होटल में हम रहते हैं तो भाई कभी कभी मेरे लिए रोटी भुजिया बनवा के लाते हैं, मैसेज भी करते हैं भैया क्या खाएंगे हम बना के लेगा, मैं बोलता हूँ भाई परेशान मत हो मेरे भैया, और आप सब भाई बस ऐसे ही दुआ बनाने रहा सर की तो भाई हमेशा कर देते रहेगा, उनके ज्यादा भाषण में भी ना आगे अपना अपन वाली बात हम बोली ला। और जी भाई मेरा खड़ा है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और देखिए रिश्ता रिश्ता होता है, अपना अपन किसको बोलते हैं, जब हम घरे जाए हमें भूख लगल रही हम कहें ये माई तनी खाना दी, नहीं, माई जो सब बा, माई जो स्थान बा, अरे माई रे तनी खाना दे, ये रियल माँ बेटे का प्यार होता है। कभी कभी खुशी से भी लगता है कि आंख भर आएगा, हमेशा दुखे से आंख ना भरे, कभी कभी खुशी से आंख भर जाता है। तो रिश्ता रिश्ता होता है जिससे हमारे सबसे तीन भाई एक बहन हमने के मानी जाए, राणू भैया, गुड्डू भैया, माला दीदी और ये कौनवा, तो ये हमारा कहा जाता ना एक पिछले भाई का तरीका बना ला मार झगड़ा दादा बना, तो ये हमारे बड़ भैया हमारे गुड्डू भैया यहाँ बैठल बने, लेकिन गुड्डू भैया में उतना आनंद नहीं खा, गुडुआ बैठल बा, ठीक ना। तो मेरे बड़े भाई के लिए गुड्डू भैया के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, और जितने हमारे परिवार में आप लोग, जितने बच्चे जितनी बच्चियां आप लोग बैठी हैं, खड़ी हैं, खड़े हैं, आप सभी के साथ मेरा शुभकामना है, दुआ है कि आप लोग जिस लाइन में हैं, म्यूजिक लाइन में एक्टिंग करती हैं, सिंगिंग करती हैं, सबके साथ दुआ है कि आप लोग हमेशा छाए रहिए, हमेशा गरजते रहिए, हमेशा दहाड़ते रहिए। जो मोहम्मद है जो भी है स्टेज पे, अरे हम तारा खान के सरे तारा खान बहुत कुछ हो सकेगा जिसकी जैसी सोच,
हरी हरी होली को आप सब इतना प्यार दिए, हमारे जो डीआरएस कंपनी के जो मालिक है श्री श्री 1008 अनंत सिंह जी, वो इसे रहा नहीं गया, हमको भी बहुत सारा गिफ्ट किए। ये गैस कंपनी जो हमारा बेटा है सामने खड़ा है, कौन कलर का है जी? कौन कलर है? ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने हुए, बहुत प्यारा लगा। गिफ्ट मिला बहुत सारे भाइयों को, बहुत सारा गिफ्ट मिला। तो आज ये आपका हक होता है कि आपको भी कुछ स्नेह मिले, पैसा और क्या पैसा देने का कोई ये नहीं है, बट ये मेरे तरफ से नहीं, ये धनंजय जी की तरफ से आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? सो एंड करते हैं इस ब्लॉग को, वीडियो पर अपना ढेर सारा प्यार करिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। और जब अभी मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो भाई, बेल आइकन को प्रेस भी कर लो ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो वीडियो को ढेर सारा प्यार करें, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें ताकि हर वीडियो मतलब इससे अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।